hello everyone welcome back to the channel last minute revision with rsm and here i am back with another video so today we are going to have the session on income tax so i was receiving many comments from mcom since the students who are from the idol institute of distance and open learning and those students who are appearing for mcom part 2 in the regular mode from college as well as this session will be helpful for the net set students तो नेट सेट कॉमर्स में प्रिपेयर कर रहे हैं उनको यूनिट नंबर टेन में इनकम टैक्स पूछा जाता है वहाँ के एम सी क्यू जाते हैं तो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस विल बी अ फास्ट ट्रैक रिविजन एज यू आर अवेयर अबाउट दिस इज द पार्ट वन तो पार्ट वन में हम कुछ चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे हम थोड़ा सा रुकते हैं ताकि बहुत सारे बच्चे ज्वाइंट हो रहे हैं तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि एग्जैक्टली exactly ये सेशंस कैसे होने वाले हैं और इसका बेनिफिट आपको आपके एग्जाम के रिलेटेड कैसे मिलने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज दी पार्ट वन तो हम क्या करेंगे सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जैसे अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में वी हैव फाइव हेड्स ऑफ इनकम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस प्रोफेशन कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस तो पांच हेड्स को हम थोड़ा ब्रेकअप करके पढ़ेंगे ताकि एक ही लेक्चर में आपके मैक्सिमम पॉइंट्स रिवाइज हो जाए और बाकी के जो भी पॉइंट्स बचेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंक्लूड कर देंगे फिलहाल अगर हम आज के सेशन की बात करें आज का जो पॉइंट है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो मैं मेजर दो चैप्टर्स को आपको रिवाइज करवाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बिगिन विद द स्मॉल पार्ट्स

जैसे अगर हम बात करें तो एम कॉम जो आईडॉल के बच्चे हैं पार्ट टू के और जो रेगुलर के हैं तो रेगुलर का तो अभी एग्जाम होगा एमसी उस बेस पे और जो आईडॉल के बच्चे हैं उनका पूरा रिविजन कर लेंगे ताकि डायरेक्ट टैक्स का आपका सारा सारा रिविजन हो सके और सारे के सारे कंसेप्ट आपको एक बार याद रह सके तो बेसिकली ये सारी चीजों को हम एक एक करके पढ़ने वाले यस मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जॉइनिंग तो जैसे ही आप ज्वाइंट करें ता मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चले बहुत सारे बच्चे ज्वाइंट हो चुके हैं ताकि हमने जो ये सीरीज़ आज स्टार्ट कर रहे हैं हम फास्ट ट्रैक रिविजन ऑफ इनकम टैक्स उससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो बहुत सारे बच्चों को इससे इनकम टैक्स के जो मेजर मेजर कंसेप्ट है वो क्लियर हो एंड इसके बेसिस पे आप अपने एग्जाम्स में इस कंसेप्ट को अप्लाई करके जो एमसीक्यूज पैटर्न में एग्जाम होगा उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है तो बेसिकली ऑल दिस पॉइंट्स वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन तो शुरू करते हैं आज का सेशन पार्ट टू भी आपका कल रहेगा कल शाम को छह बजे पार्ट टू के लिए आ जाना दैट विल बी इनकम टैक्स का फास्ट ट्रैक रिविजन पार्ट टू जो बचे हुए चैप्टर्स होंगे वो हम वहां पे रिवाइज करेंगे तो शुरू करें फिर सबसे पहले कुछ पॉजिटिविटी के साथ नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग तो हमें कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए अगर हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे तो हम नई नई चीजों को सीखेंगे और जितनी आप नई नई चीजों को सीखोगे उतना आप एक्सपर्ट बनते जाओगे सो लाइफ लाइफ विल नेवर स्टॉप यू टीचिंग दैट इज वाई वी शुड ऑल्सो नेवर स्टॉप लर्निंग लर्निंग इज एन एवर गोइंग प्रोसेस ऑन गोइंग प्रोसेस आपको ध्यान रखना है और जिन बच्चों ने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले वहां पे रेगुलर आपको अपडेट्स आते रहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज मिल जाएगी और इसका पूरा जितना भी पीडीएफ रहेगा वो मैं ऐप पे शेयर करूंगा तो ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से डाउनलोड कर ले फ्री में मिलेगा कोई भी पेमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स अगर आप जानते ही है ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे इनकम टैक्स में दो पार्ट्स आते हैं वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो डायरेक्ट टैक्स कैसा टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो तो किसी के भी इनकम पे लगता है डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज लेव ऑन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल The word tax दि, हुआ है जो वर्ड है टैक्सेस बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू हम जानते ही ये बहुत सारा पैराग्राफ लिखा है पैराग्राफ तो आप अपने पढ़ सकते हो सिंपल चीज है टैक्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट तो अगर गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे पैसा खर्चा करेगा लोगों के डेवलपमेंट के लिए कहाँ से पैसा लाएगा तो गवर्नमेंट का जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है दैट इज कंसिडर एज टैक्सेज सो टैक्सेस गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू देते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं वन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स सिंपल मीनिंग डायरेक्ट टैक्स किसी के भी इनकम के ऊपर डायरेक्टली लगता है अगर मैं पैसे कमाऊंगा तो मैं ही टैक्स भरूंगा बट इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन हम किसी और के ऊपर शिफ्ट करते हैं मैंने अगर कुछ प्रोडक्ट बनाए तो मैं उसका बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो दैट विल बी द इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाता है जैसे वहां पे अभी फिलहाल एक ही टैक्स हमको पढ़ना है विच इज कॉल्ड ए जी एस टी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो एक्ट फॉर्म एक्ट पास हुआ था बेसिकली इन द ईयर टू थाउजेंड सेवेंटीन फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन तो इनकम टैक्स जो है वो पहले सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1860 बाय सर जेम्स विल्सन इन ऑर्डर टू मीट द लॉस कॉज बाय अकाउंट ऑफ द मिलिट्री म्यूटी नहीं काफी झगड़े हुए थे उसकी वजह से uh, उस टाइम पे जेम्स विल्सन जी ने 1857 में एक टैक्स लगाया था जिसको हम इनकम टैक्स के बेसिस पे जानते हैं फिर धीरे धीरे 1886 में एक सेपरेट एक्ट बना फर्दर उस एक्ट को अमेंड किया गया फिर हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो तो हम पढ़ते हैं दैट इज पार्ट तो आपको पता ही होगा ये सारी चीजें सारे बेसिक्स है तो टाइप ऑफ टैक्सेस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस एवरीबडी नोज दैट वन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज कॉल्ड एज इन टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स क्या है टैक्सेस आर लेव बाय द गवर्नमेंट ऑन द टैक्स पेयर डायरेक्ट टैक्स क्या है डायरेक्ट टैक्स हमारे इनकम के ऊपर लगता है अगर मैं इनकम कमाऊंगा तो उस पर मैं टैक्स भरूंगा इनकम हम कमाएंगे हमारे प्रीवियस ईयर में और उसपे हम टैक्स भरेंगे हमारे असेसमेंट ईयर में तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी असेसमेंट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड वी आर हैविंग द प्रीवियस ईयर एज टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटीन हमारा प्रीवियस ईयर है

जितने भी प्रोडक्ट्स आपने कंज्यूम किए हैं उस प्रोडक्ट्स पे कहीं ना कहीं आपने कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है दैट इज द दार्ट फिलहाल हम भी उस उसपे जीएसटी का कंसेप्ट है तो वो थोड़ा सा बाद में साइड में रखते हैं क्योंकि जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा एंड दिस विल बी अ रिविजन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आगे बढ़ते हैं मेजर पार्ट है हेड्स ऑफ इनकम मतलब एक इंडिविजुअल इतने सोर्सेस से पैसा कमा सकता है जितने भी सोर्सेस से वो पैसा कमाएगा उसको स्पेसिफिकली डिफरेंट डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम में डिवाइड किया गया है तो एज पर द इनकम टैक्स जो सेक्शन 14 है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है फाइव हेड्स तो पांच हेड्स है अगर मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ कहीं पे जॉब करता हूँ तो वहां से जितना भी रेम्यूनरेशन या जितनी सैलरी मुझे मिलेगी वो टैक्सेबल बन जाएगी अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरीज वेर सेक्शन फिफ्टीन टू सेक्शन सेवनटीन इज कवर्ड नंबर सेकेंड इफ आई एम हैविंग अ प्रॉपर्टी एंड आई एम लेटिंग आउट द प्रॉपर्टी फॉर एनी रेजिडेंशियल पर्पज अगर मैंने मेरी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया है तो उसके बेसिस पे जितना भी इनकम मुझे मिलेगा दैट विल बीसिडर एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे सेक्शन ट्वेंटी टू से लेके सेक्शन ट्वेंटी सेवन कवर होगा नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन तो प्रॉफिट्स एंड गेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगर हम कहीं जॉब नहीं कर रहे हमारा खुद का बिजनेस है या हमारा खुद का प्रोफेशन है तो प्रोफेशनल्स होते हैं सच एस डॉक्टर्स लॉयर्स आर्किटेक्ट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो वो लोगों के लिए एक हेड बनाया है दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट्स एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन इन शॉर्ट कॉल्ड एस पी सेक्शन ट्वेंटी से लेके सेक्शन फोर्टी इसमें कवर होगा नेक्स्ट पार्ट इज कैपिटल गेन अगर हम हमारी हाउस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं अगर हम शेयर्स में डीलिंग करते हैं शेयर्स को बेच रहे हैं तो वेन एवर वी आर सेलिंग एनी काइंड ऑफ कैपिटल असेट सो देर इज अ गेन विच अराइजेज फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल असेट एंड गेन इज कंसिडर्ड एजर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज कॉल्ड एज एल टी सी जी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच इज कॉल्ड एज एस टी सी जी ये हमारा कैपिटल गेन का कंसेप्ट है यहाँ पे सेक्शन फोर्टी फाइव से लेकर सेक्शन फाइव तक हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल टॉपिक तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो भी इनकम इन चारों हेड्स में टैक्सेबल नहीं होंगे जैसे सैलरी में नहीं होगा हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा बिजनेस प्रोफेशन में नहीं होगा कैपिटल गेन में नहीं होगा लेकिन वो इनकम है तो उसे टैक्सेबल माना जाएगा अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस विच विलेशन फिफ्टी कवर्ड फॉर इनकम फ्राम सोर्सेस आई होप की दिस पार्ट दिस मच इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू दिस इज वेरी इजी दिस इज जस्ट द बेस्ट एक बार मुझे सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जितना अभी तक आपको बताया है वो आपको क्लियर हुआ है या नहीं यस एवरी वन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो देट आई कैन अंडरस्टैंड बेसिकली यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग वट एवर आई एम ट्राइंग टू से यू सो दिस इज द्स ऑफ इनकम ये मैं कमेंट्स भी साइमल्टेनियसली देख रहा हूँ अगर कोई अलग से टाइप के पॉइंट्स आते हैं तो वो भी आपको बता तो बेसिकली वी हैव कवर्ड नाउ हेड्स ऑफ इनकम तो हमेशा याद रखना कितने फाइव हेड्स ऑफ इनकम होते हैं है, एक होता है सैलरी इनकम सेकेंड है आपका हाउस प्रॉपर्टी थर्ड है आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन जिसको हम शॉर्ट में पीजीबीपी कहते हैं फिर नेक्स्ट है आपका कैपिटल गेन और इन चारों हेड्स में जो भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगा वो हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा वहाँ पे जैसे कि लॉटरी का टिकट आपने लिया वहाँ पे आपको पैसे मिले आपको कहीं से रॉयल्टी मिल रही है हॉर्स रेस पे आपने पैसे लगाए बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट्स रखे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला ये सारी चीज़ें क्या है ये सारी चीज़ें हमारी टैक्सेबल तो है इनकम तो है और इनकम है तो फिर वो कहाँ टैक्सेबल होगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो आइए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हमारे कंसेप्ट में जाएंगे रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन सिक्स अब अगर हम एम सी क्यूज की बात करें पेपर में अगर एम सी क्यूज पूछ रहे हैं तो जितने भी चैप्टर के बेसिक्स है वो आपको ध्यान रखना है एवरी चैप्टर बेसिक्स के ऊपर एम सी क्यूज पूछे जाते हैं जैसे कि अगर हम अभी सेक्शन सिक्स की बात करें तो सेक्शन सिक्स में कंडीशंस जो है वो आपके परफेक्ट होने चाहिए अनलेस एन अनिल यूर कंडीशन आर परफेक्ट यू कैनॉट अटेम्प्ट एमसी क्यूज बिकॉज एमसीक्यूज जो बनते हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ क्यूज बेसिक्स ऑफ द चैप्टर पे बनते हैं अब सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल डू ऑट सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल रीड फ्रॉम द बुक बुक के पीछे बहुत सारे एम सी क्यूज दिए होते हैं वो सारे एम सी क्यूज को बाहट कर लेते हैं और वही एम सी क्यूज फिर पेपर में देखते हैं तो पेपर में आते ही नहीं है दूसरा ही आते हैं बिकॉज टीचर इज वन स्टेप अहेड ऑफ स्टूडेंट तो टीचर क्या करता है टीचर एमसी क्यूज जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है तो टीचर विल कंस्ट्रक्ट द एम सी क्यूज एंड सिंस टीचर इज कंस्ट्रक्टिंग द एम सी क्यूज आपको बुक के पीछे के एमसी क्यूज दिखते नहीं फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम सी क्यूज जो बोले थे वो तो आए ही नहीं आई यूजली फोकस ऑन द कंसेप्ट इफ योर कंसेप्ट आर क्लियर एवरीथिंग विल बी क्लियर तो लेट अस सी द बेसिक कंडीशन इन द रेसिडेंशियल स्टेटस देखो कंडीशन सब मैंने यहाँ पे टाइप करके रखे हैं सब पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने वाला हो सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेगी लेकिन पीडीएफ से जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे उससे रिलेटेड अगर ये वीडियो से थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में गया तो पीडीएफ पढ़ना बहुत इजी बन जाए कैसे याद रखना है तो सेक्शन सिक्स क्या कहता है बेसिक सेक्शन सिक्स ये कहता है कि कोई भी पर्सन को इंडिया का रेसिडेंट कब माना जाएगा इंडिया का रेसिडेंट आप कहेंगे सर इंडिया का रेसिडेंट मानना क्यों है? इंडिया का रेसिडेंट इसलिए मानना है कि इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा तो ही वो इंडिया में, में टैक्स पेमेंट करेगा तो फॉर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट केव टू फॉलो इफ इसफाइड पर्सन विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेकिन रेसिडेंट में आगे दूसरी चीजें आती है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी तो अभी रेसिडेंट की बात करें तो क्विकली बताता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आते हैं वो पूरे कंडीशन के ऊपर आएंगे तो कंडीशन ध्यान रखना है अगर कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में वन एटी टू डेज या उससे ज्यादा रहेगा तो वो इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा लेकिन प्रीवियस ईयर में तो प्रीवियस ईयर तो है आपका वो है टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी और जो है आपका असेसमेंट ईयर है टू थाउजेंड ट्वेंटी के बेसिस पे प्रीवियस ईयर एक साल पीछे होता है और प्रीवियस ईयर में वो अगर वन एटी टू डेज या उससे ज्यादा अगर इंडिया में रहता होगा तो उसे हम इंडिया का रेसिडेंट मानेंगे लेकिन और की बात करें तो क्या है पिछले चार सालों में मतलब आपके प्रीवियस ईयर कौन सा है 2019-20 2019-20 के पहले वाले चार साल में अगर वो इंडिया का रेसिडेंट बनता है कितने साल के लिए कितने के लिए चार साल के लिए तो चार साल में भी कंडीशन है चार साल में अगर 365 डेज या उससे ज्यादा रहता होगा तो भी वो इंडिया का रेसिडेंट बन सकता है लेकिन उसको कम से कम प्रीवियस ईयर में कितना रहना पड़ेगा क्या है हमारा प्रीवियस ईयर 2019-20 में उसको कम से कम 60 डेज तो रहना ही पड़ेगा लेकिन ये जो सेकेंड वाला कंडीशन है जो और वाला कंडीशन है ये किसे एप्लीकेबल होता है दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर दोज हु आर नॉट सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन जो लोग 182 डेज या उससे ज़्यादा रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वो और वाला कंडीशन में जाएंगे ही नहीं लेकिन जो लोग 182 डेज का कंडीशन फुलफ़िल नहीं करते सेटिस्फाई नहीं होते वो लोगों को सीधा हम नॉन रेसिडेंट नहीं मान सकते उनके लिए और वाला कंडीशन आपको अप्लाई करना है और वाला कंडीशन कहता है कि पिछले चार साल में कौन से साल चार साल में पिछले चार साल में कौन से साल में पिछले चार साल प्रीवियस ईयर के पहले वाले चार साल ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्या है आपका 2019-20 तो उसके पहले वाले मतलब 18-19, 17, 18, 16, 17, 15, 16 ये चार साल में कम से कम कितना रहना चाहिए 365 डेज या उससे ज़्यादा रहना चाहिए और हमारे असेसमेंट ईयर में कम से कम 60 रहना चाहिए अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो भी उसे रेसिडेंट माना जाएगा अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो उसको सीधा हम क्या मानेंगे नॉन रेसिडेंट मान लेंगे एक्सेप्शन है ध्यान रखना अगर कोई पर्सन इंडिया से फॉरेन जाता है एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए तो ऐसे लोगों के लिए सिक्सटी डेज का कंडीशन एप्लीकेबल नहीं मतलब अब भी हमने देखा सेकेंड वाला जो कंडीशन था ये कंडीशन इन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो इंडिया छोड़ के बाहर जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर वो घूमने के लिए जाएंगे तो ये वाला एक्सेप्शन आपको याद ही नहीं रखना है अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाएंगे तो सेकेंड वाला कंडीशन जो है सिक्सटी डेज का दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू सच पर्सन दे हैव टू कंपलसरी स्टे फॉर वन एटी टू डेज इन द प्रीवियस ईयर दे आर नॉट सेटिस्फाइंग दी वन एटी टू डेज सीधा नॉन रेसिडेंट लिख दो टेंशन ही नहीं लेना है लेकिन अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो वो वन एटी टू डेज का ही कंडीशन देखना पड़ेगा और अगर वन एटी टू डेज का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो नॉन रेसिडेंट बन ऐसे कोई इंडिया से फॉरेन जाता है वैसे कोई फॉरेन से भी इंडिया में आता होगा अभी फॉरन से इंडिया में आता है तो दो बातें लिखनी है मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया ऑन अ विजिट टू इंडिया देन पीरियड ऑफ सिक्सटी डेज इज़ नॉट एप्लीकेबल टू हिम तो ऐसे केस में भी पीरियड ऑफ सिक्सटी डेज एप्लीकेबल नहीं है जो अभी वर्ल्ड लेटेस्ट अगर बात करें तो वन ट्वेंटी डेज हो चुका है तो अगर कोई से इंडिया में आएगा तो वो फॉरेनर है भले लेकिन वो इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए मतलब क्या इसका कि उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे या वो खुद इंडिया में बॉर्न हुआ फिर ड्यू टू सम वर्क वो वहाँ जाके वहाँ के रेसिडेंट बन गए तो ऐसे केस में इंडियन ओरिजिन का पर्सन होना चाहिए या फिर वो इंडिया में किस लिए आना चाहिए इंडियन ओरिजिन का पर्सन होना चाहिए विजिट के लिए अगर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आएगा तो नहीं चलेगा तो ध्यान से याद रखना तो ये दोनों के दोनों एक्सेप्शन में एक ही चीज आपको याद रखना जो भी लोग एक्सेप्शन में कवर है तो 182 डेज कंपलसरी अगर है अगर 182 डेज कंपलसरी नहीं रहते तो वो नॉन रेसिडेंट बने बट सेकंड वाले में 120 ट्वेंटी डेज हो चुका है ठीक है तो ये अभी हमने क्या सीख लिया अभी हमने सीख लिया रेसिडेंट कौन बनेगा तो रेसिडेंट बनने के बाद उसमें फर्दर दो कैटेगरीज आती है एक है आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दूसरा है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ठीक है ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कुछ रूल्स हैं जो यहाँ पे लिखे हैं रूल नंबर वन कहता है पिछले दस साल में किसी भी दो साल वो रेसिडेंट होना चाहिए क्या कहता है आपके जो प्रीवियस ईयर है प्रीवियस ईयर के पहले वाले दस साल में किसी भी दो साल को इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए तो कंडीशन नंबर वन सेटिस्फाइड हो जाएगा फिर कंडीशन नंबर सेकेंड कहता है पिछले सेवन ईयर्स में सेवन ईयर्स आपके प्रीवियस ईयर में वो कितना रहना चाहिए कम से कम सेवन थर्टी डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहना जरूरी है सेवन थर्टी डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहता होगा तो ही विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डीनरीली रेसिडेंट रेसिडेंट एंड ऑर्डीनरीली रेसिडेंट अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस नहीं करता या एक भी कंडीशन सेटिस नहीं करता तो उसे क्या कहेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट दैट इज दिम्पलेस्ट फैक्टर विच वी है आपका सेक्शन सिक्स सभी का रिवाइज हुआ रहेगा एक बार कमेंट सेक्शन करके कमेंट बता दो तो मुझे सारे कमेंट्स आने चाहिए सारे बच्चे के कमेंट्स आने चाहिए जस्ट कमेंट नाउ बिकॉज मुझे आपके कमेंट्स से ही पता चलेगा कि यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू से यू सो वी हैव कवर्ड सेक्शन पार्ट नाउ रेसिडेंशियल इफ सेवरीबडी इज क्लियर विल मूव फर्दर जो भी कमेंट्स रहेंगे आपके कमेंट्स में डाल के रखना अगर कमेंट्स मिसअप भी हो जाते हैं तो मैं उसके आंसर्स आपको बाद में देने का भी ट्राई करूंगा तो हमने अभी कंप्लीट किया है सेक्शन सिक्स अभी हम जाएंगे हमारे पॉइंट में ये मैंने एक्स्ट्रा चीज डाल के रखी है आप अपने बेसिस पे इसको पढ़कर नेक्स्ट अभी हम कवर अप करेंगे सेक्शन फाइव ठीक है दिस इज द सेकेंड पार्ट विच यू हैव टू रिमेंबर इस पे भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं सेक्शन फाइव है कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है सेक्शन फाइव कोप ऑफ टोटल इनकम मतलब क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं कि इनमें से जो तो इनकम है वो किसे टैक्सेबल होगा वेदर इट विल टैक्सेबल फॉर आर ओ आर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी वेदर इट इज टैक्सेबल फॉर आर ओ आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी एंड वेदर इट इज टैक्सेबल फॉर एनआर दैट इज कॉल्ड नॉन रेसिडेंट अब आपके सामने इतना बड़ा चार्ट दिख रहा है अगर मैं आपको कहूं यस एवरी वन दिस इज सेक्शन फाइव स्कोप ऑफ टोटल इनकम

अगर इसको बेसिकली समझ लेंगे तो दैट विल बी वेरी मच इजी टू यू तो मैं आपको ये पूरे चार्ट का क्रक्स बताता हूँ तीन रूल बताता हूँ ध्यान से सुनना अगले फाइव मिनट्स आपका ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए ध्यान से सुनना इसको अगर ये तीन रूल्स एक बार दिमाग में फिट हो गए तो इस चैप्टर में से कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा ध्यान से समझ देखो थ्री रूल्स है स्कोप ऑफ टोटल इनकम के रूल नंबर वन कहता है सिंपल अगर इंडिया से रिलेटेड इनकम रहेगा तो वो सभी लोगों को टैक्सेबल होगा रिपीट अगेन इफ इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल इफ इनकम इज deemed टू बी रिसीव्ड इन इंडिया डीम का मतलब it इफ इट इज डीम टू बी India, इन इंडिया इफ इट इज arise अराइज इन इंडिया इफ इट इज डीम टू बी or अराइज इन इंडिया इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल सर क्या कर रहे हो सर कभी डीम्ड बोल रहे हो कभी एक्रीव बोल रहे हो कभी अराइज बोल रहे हो तो बेसिकली ये सारी चीजें अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है इसलिए सिंपल चीज याद रखना है क्रक्स क्या बोल रहा है क्रक्स एक ही चीज कहता है कि इनकम अगर इंडिया से रिलेटेड रहा इनकम अगर इंडिया में मिला है इनकम में कुछ ना कुछ रिलेशन अगर इंडिया का है तो वो सभी कॉलम में टैक्सेबल हो जाएगा सबसे सिंपल रूल तो मैंने आपको रूल अभी बताया है रूल नंबर वन वो पॉइंट नंबर वन को कवर करता है टू को कवर करता है थ्री को कवर करता है फोर को कवर करता है चार पॉइंट्स का एक ही रूल है क्या रूल है इफ इनकम इज रिच इन इंडिया इफ इनकम इज डीम टू बी एक्स इन इंडिया इफ इनकम इज एक्रीविंग और अराइजिंग इन इंडिया इफ इनकम इज डी टू एक्राइजिंग इन इंडिया एवरी सिंपल पॉइंट इज दैट अगर इनकम इंडिया से रिलेटेड है तो सभी कॉलम में टैक्सेबल बन जाएगा अगर इंडिया से रिलेटेड ही नहीं है तो फिर देखेंगे क्या करना है ठीक है ये हमारा रूल नंबर वन है रूल नंबर में जाते हैं रूल नंबर वन सभी का क्लियर है जरा एक बार कमेंट कर लो सभी एवरी वन जस्ट कमेंट एंड टेल मी कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है जो हमने अभी तक पढ़ी है एवरी वन क्लियर विद द पॉइंट यस कमेंट आपके आ रहे हैं मैंने आपके कमेंट लिख लिए हैं चलो तो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर वन तो हमने पढ़ लिया है रूल नंबर वन कहता है कि इनकम अगर इंडिया से रिलेटेड है तो टैक्सेबल फॉर ऑल ऑल मतलब ROR, और इज नॉन अभी रूल नंबर टू जरा ध्यान से समझना रूल नंबर टू कहता है कि अगर इंडिया से रिलेटेड इनकम नहीं है तो अगर फॉरेन इनकम है तो फिर क्या करेंगे अगर फॉरेन इनकम है तो खुद को सबसे पहले खुद को अपने आप को दो क्वेश्चंस पूछने हैं आपको दो क्वेश्चंस क्या है क्वेश्चन नंबर वन है क्या ये इनकम इंडिया से रिलेटेड है मतलब क्या ये इनकम से कुछ ना कुछ लेना देना इंडिया का है या फिर फॉरेन इनकम है लेकिन कंट्रोलिंग इंडिया से होता है जैसे कि हमने क्या किया हेड ऑफिस इंडिया में रखा तो हमने क्या किया हेड ऑफिस इंडिया में रखा और का ब्रांच फॉरेन में है तो अभी ब्रांच तो फॉरेन में है हेड ऑफिस इंडिया में है कंट्रोलिंग कहाँ से होगा कंट्रोलिंग इंडिया से होगा बिजनेस कंट्रोलिंग इंडिया से होगा इसीलिए ऐसे केस में फिर रूल नंबर सेकंड अराइज होता है रूल नंबर वन हमने पढ़ा इनकम अगर इंडिया का है तो टैक्सेबल फॉर ऑल इनकम अगर फॉरेन का है और अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल किया गया होगा तो पहले दो लोगों को टैक्सेबल होगा फर्स्ट टू कैटेगरीज में इट विल बी टैक्सेबल फर्स्ट टू कैटेगरीज क्या है आर ओ आर और आर एन ओ आर आर ओ आर मतलब ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल बन जाएगा और नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी इट विल बी टैक्सेबल ठीक है रूल नंबर टू काफी सिंपल है अगर फॉरेन का इनकम है मतलब इनकम रिसीव्ड इन जर्मनी बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम मुंबई तो बिजनेस कहाँ से कंट्रोल्ड है मुंबई से इनकम किधर का है जर्मनी का है ऐसे केस में फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी को इट विल बी टैक्सेबल और थर्ड कैटेगरी में उसे नॉन टैक्सेबल माना जाएगा और तीसरा रूल है हमारा तीसरा और आखिरी रूल ये कहता है कि अगर फॉरेन इनकम है और जिसका इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं है इंडिया से वो ना कंट्रोल्ड हुआ है ना इंडिया में वो रिसीव हुआ है नथिंग इज़ स्पेसिफाइड तो ऐसे इनकम को हम फॉरेन इनकम मतलब प्योरली फॉरेन इनकम मानेंगे कम्प्लीटली फ़ॉरेन इनकम मानेंगे और ऐसे इनकम को सिर्फ फ़र्स्ट वन को टैक्सेबल करना है जो है हमारा आर बाकी दोनों को ये नॉन टैक्सेबल मानना पड़ेगा तीन रूल्स हमने पढ़े तीन रूल से पूरा स्कोप ऑफ तो टोटल इनकम आपका कवर अप हो जाएगा रूल नंबर वन अगर इंडिया रिलेटेड इनकम टैक्सेबल फॉर ऑल रूल नंबर टू अगर फॉरेन इनकम इंडिया से कंट्रोलिंग है तो टैक्सेबल फॉर फर्स्ट फर टू और अगर फॉरेन इनकम इंडिया से कंट्रोलिंग है ही नहीं तो पूरा का पूरा फॉरेन है तो टैक्सेबल फॉर ओनली वन दैट इज सेक्शन फाइव वी हैव कवर्ड स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड आई होप कि दिस आर वेरी मच कंफर्टेबल टू ऑल ऑफ यू I just want to receive your comments in the comment section that we can move further. चलो सभी लोग अभी comments करेंगे। अभी आपको comment करने हैं। आपको जितनी चीजें मैंने बताई है वो सारी चीजें है चलो comment करो फटाफट मैं आपके comments देख रहा हूँ कि जितनी चीजें हमने पढ़ी है section फाइव भी हमने पढ़ लिया section सिक्स भी हमने cover up कर लिया दोनों चीजें आपकी completely revision हो चुकी है फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे हमारे नए concept चलो कमेंट्स सबके आ रहे हैं आई एम सीइंग द कमेंट्स वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में जाते हैं अभी स्टार्ट करेंगे हमारा आज का पहला हेड ऑफ इनकम विच इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ से बहुत सारे एम आपके पेपर में बन सकते हैं तो बेसिक्स को रिवाइज करेंगे जितनी भी बेसिक्स है वो सारे रिवाइज करवा दूंगा ताकि आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो फर्स्ट हेड इज इनकम फ्रॉम सैलरी नॉर्मली यूजली क्या होता है देखो हर बंदा जो है अगर हम देखें तो फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट ऑफ द पार्ट सैलरी से रिलेटेड आएगा बिकॉज सैलरी मतलब हम कहीं पे काम करेंगे तो हमें सैलरी मिलती सैलरी चैप्टर के लिए बेसिकली सेक्शन फिफ्टीन से लेके सेक्शन सेवनटीन कवर अप हुआ है इसमें एक ही चीज़ बताई गई है एंड दैट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए मैंने लिखा है यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो या मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप अगर ऐसा रिलेशनशिप रहा तो ही उसे हम क्या कंसिडर करेंगे ऐसे इनकम को हम फिर इनकम फ्रॉम सैलरी कंसिडर करेंगे ठीक इनकम फ्रॉम सैलरी हम उसको कंसिडर करेंगे फिर रेम्युनरेशन अर्न बाय एम्प्लॉय डायरेक्टर्स टैक्सेबल अंडर दी हेड सैलरी वेर एज रेमरेशन अर्न बाय नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर्स इज टैक्सेबल अंडर दर सोर्स फिर सैलरी जो हम पार्टनरशिप को पेमेंट करते हैं इट विल बी टैक्स टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स अंडर दी हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रॉफिट ओवरऑल अगर ये तीनों चारों पॉइंट जो भी लिखे हैं यहाँ पे इससे एक ही बात क्लियर होती है कि इनकम फ्रॉम सैलरी में जो तो भी आपका इनकम है वो कौन से इनकम को हम इनकम फ्रॉम सैलरी मानेंगे सो so, तो आपको याद रखना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी विल बी पार्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इफ देर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप देन दैट इनकम विल बी कंसिडर एज इनकम

हमेशा याद रखना इट इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू बेसिस और रिसीड बेसिस विच एवर इज अर्लियर जो भी पहले आएगा वही टैक्सेबल माना जाएगा तो सेक्शन के बाद बेसिक सैलरी में क्या क्या कवर होता है देखो ग्रॉस सैलरी होती है और नेट सैलरी होती है नेट सैलरी में क्या आता है सारे डिडक्शन करने के बाद जो हमको सैलरी मिलती है दैट इज नेट सैलरी और सैलरी में क्या क्या चीजें कवर होती है बेसिक भी कवर होता है अलाउंसेस कवर होता है

परक्विजिट्स कवर होते हैं प्रॉफिट्स इन इंस्टेड ऑफ सैलरी कवर होते हैं तो ये सारी चीज़ें कवर होती हैं तो अगर हमारा एम्प्लॉयर हमारे एम्प्लॉयी को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दे रहा है कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स दे रहा है जैसे मोटर कार की फैसिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी बिल की फैसिलिटी है गैस का फैसिलिटी है इसका सारा बिल्स कंपनी पेमेंट कर रहा है तो ऐसे केस में उसे हम टैक्स में क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज तो परिजिट्स इज वॉटिट्स इज नोवाइडेड बाई द्लॉयर टू दर आर सर्टन टैक्सेबल देर आर सर्टन विच आर नॉन टैक्सेबल ऑल्सो एंड देट इज बिन कवर्ड अंडर सेक्शन इन टू ऑफ द इनकम टैक्स फर्दर आगे बढ़ते हैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ेंगे ध्यान से पढ़ना ये बिकॉज यहाँ से एम सी बनने के चांसेस ज्यादा है सेक्शन फिफ्टीन हमने कवर अप कर लिया नाउ इट्स सेक्शन सेक्शन क्या है सेक्शन इज़ रिलेटेड डिडक्शंस डिडक्शंस कवर कवरअप हो जाएंगे तो सैलरी चैप्टर में टोटल तीन डिडक्शंस है पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस और तीसरा प्रोफेशन टैक्स पहला जो है स्टैंडर्ड डिशन तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन सेक्शन में कवर होता है सिक्सटीन सिक्सटीन सबसेक्शन वन में कवर होता है कैसे इसका कैलकुलेशन होता है ग्रॉस सैलरी और रुपीज फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज लेस मतलब आपकी ग्रॉस सैलरी की अमाउंट देखा जाएगा या फिर आपकी फिफ्टी थाउजेंड की अमाउंट देखी जाएगी विच एवर इज लेस तो आपको इसमें से याद क्या रखना है आपको याद रखना है फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड इज द लिमिट

वही आपका डिडक्शन होगा नेक्स्ट हमारा पार्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस तो नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है डू रिमेंबर दिस ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन किसे मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही ये डिडक्शन मिलता है लेकिन इसके लिए सर्टन कंडीशंस होते हैं जिसके बेसिस पे एंटरटेनमेंट अलाउंस कैलकुलेट किया जाता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वी हैव थ्री रूल्स लेट अस सी द रूल्स नाउ रूल नंबर वन एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड क्या है रूल नंबर वन एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड रूल नंबर सेकंड है 1/5th ऑफ बेसिक सैलरी क्या है 1/5th ऑफ बेसिक सैलरी और रूल नंबर 3 है मैक्सिमम लिमिट रूपी फाइव थाउजेंड ध्यान रखना लिमिट जिधर भी आएगी उधर हमारा ध्यान जाना ही चाहिए अगर लिमिट आप भूल गए तो फिर पेपर में प्रॉब्लम हो सा, हो जाएगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो यू हैव टू रिमेम्बर फ्रॉम दिस थ्री रूल्स एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड वन फिफ्थ ऑफ बेसिक सैलरी एंड मैग्सिम लिमिट इज रुपीस फाइव थाउजेंड वॉट इज द रूल्स रूल्स इज विच एवर इज लेस इज डिडक्टेड इन तीनों में से जो सबसे सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट होगी उसी का ही आपको डिडक्शन मिल जाएगा इन मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है deduction, फिर 5, ही मिलेगा। I repeat again, I have learned, deduction, salary और रुपीज था एंटरटेनमेंट अलाउंस तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन कितने मिलता है

दो हजार पाँच सौ पर एन का डिडक्ट हो जाता है हमारे टैक्स का तो गवर्नमेंट को मिल जाएगा फर्दर आगे बढ़ते हैं ये कुछ फॉर्मेट है आपका फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटेशन देखो कैसे हम फॉर्मेट के पॉइंट कभी कभी अगर आपको एमसीक्यू में ऐसे पॉइंट आए बेसिक सैलरी दिया है अलाउंसेस दिया है परक्विजिट्स दिया है और आपको कहा कि ग्रॉस सैलरी ढूंढो तो इन सभी पॉइंट्स को आप ऐड करोगे यू विल ऐड ऑल दिस पॉइंट्स ये सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे ये सारे पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस सैलरी और ग्रॉस सैलरी में से जो अभी हमने डिडक्शंस पढ़े स्टैंडर्ड डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना था हमारा से फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी हमारा रूल है स्टैंडर्ड डिडक्शन ग्रॉस सैलरी और रुपीज फिफ्टी थाउजेंड विचर इज लेस एंटरटेनमेंट अलाउंस समझो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ही इधर आएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मैक्सिमम लिमिट कितना था फाइव थाउजेंड हमने पढ़ा विद प्रोफेशन टैक्स से फॉर एग्जांपल ढाई हजार दिया है तो ढाई हजार है ये जो ऊपर की अमाउंट है उसमें से ये सारी चीजों को माइनस करोगे तो ये फाइनल आंसर मिलेगा एंड फाइनल आंसर इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरीज तो मैंने सैलरीज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं चैनल पे तो वो भी आप चेक करो इनकम टैक्स का एक प्ले बनाया है वहां पे आपको सारे इनकम टैक्स की वीडियो मिल जाएंगे तो वहां पे प्रॉपरली इसको मैंने सोल्व करवाया है इनकम टैक्स का जो सैलरी चैप्टर है कि किस तरीके से जब नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहेंगे तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट में जितने बार वेरी वेरी बोलूंगा उतने बार कम ही पड़ेगा अलाउंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जितने अलाउंसेस आपको दिए हुए हैं यहाँ पे उतने आपको बहट करने हैं सर एक बार बोलते हो कि बहट करना मुझे पसंद नहीं है एक बार कहते हो कि सर बाहट करने हैं कैसे बहट करेंगे हम लोग इतने सारे अलाउंसेस को अरे नेवर द लेस इसीलिए आपको इस चैनल पे नए नए ट्रिक्स मिलते रहेंगे मेरे तरफ से कुछ सिंपल चीजें आपको बताऊंगा ताकि आपको उसका तो ता एग्जाम में फायदा हो देखो अभी ऐसे अलाउंसेस करवाऊंगा कि आज के बाद कभी भी अलाउंसेस नहीं भूलोगे ध्यान से समझना ध्यान से समझना अभी किस तरीके से अलाउंसेस पढ़ना है आर यू द सेशन जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वंस योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जैसा फीडबैक दोगे उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी अपना फिर परफॉर्मेंस है वो और इंप्रूव करके और अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊँ एवरी जस्ट एक बार कमेंट कर लो तो आपके कमेंट तो आ रहे हैं धीरे धीरे कमेंट्स सबके आ रहे हैं एवरी वन कमेंट करो बच्चे तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं लेकिन कमेंट कम कर रहे हो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो ताकि मुझे भी पता चले यस yes, चलो फाइन अब ध्यान से देखो अलाउंसेस में ना तीन पार्ट्स है एक है हमारा पूरा का पूरा टैक्सेबल अलाउंस क्या है हमारा टैक्सेबल टैक्सेबल मतलब टेंशन ही नहीं है ये पूरा का पूरा जो है दिस इज तो, टैक्सेबल तो अभी इधर हमने लिखा है डियरनेस अलाउंस एंटरटेनमेंट अलाउंस सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मेडिकल अलाउंस लंच अलाउंस एनी अदर अलाउंस सर्वेंट अलाउंस वार्डन अलाउंस ओवरटाइम अलाउंस टेलीफोन अलाउंस इतने सारे अलाउंसस है जो टैक्सेबल है मतलब इसमें कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा दिस विल बी टोटली टैक्सेबल तो इसको अभी कैसे याद रखना ध्यान से इसको अभी कैसे याद रखना है देखो इसके लिए एक शॉर्टकट बताता हूँ ये शॉर्टकट से आप याद रखो कि अगर आप इस तरीके से इसको निमोनिक बनाओगे जैसे फिर इसका एक थोड़ा सा फनीयर फैक्टर देखेंगे देखो इसका निमोनिक क्या है डिसम्बर के मंथ में एमएलए का स्वॉट एनालिसिस हुआ है स्वॉट एनालिसिस आप सब जानते हैं स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दिसंबर के मंथ में एम का स्वॉट एनालिसिस हुआ तो अभी कैसे डिसम्बर अलाउंस एंटरटेनमेंट अलाउंस सिटी एम से मेडिकल अलाउंस 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 लंच आलाउंस, एनी अदर एस से सर्वेंट अलाउंस वार्डन अलाउंस ओवर टाइम अलाउंस और टेलीफोन अलाउंस आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बस इतना याद रखो डिसम्बर के मंथ में एम एल ए का स्वाट एनालिसिस आट इज कॉल्ड एस ऑल टैक्सेबल अलाउंसिस हम जाएंगे पार्टली टैक्सेबल फिर ऑफिस पार्टली टैक्सेबल पर्सनल मतलब क्या है कि ये जो है ना पार्टली टैक्सेबल मतलब कुछ पार्ट इसमें से टैक्सेबल होगा कुछ पार्ट इसमें से रहेगा दैट इज टैक्सेबल फॉर ऑफिस और पार्टली टैक्सेबल पर्सनल और ये ऑफिस की कुछ पार्ट टैक्सेबल कुछ पार्ट एग्जेंट ऐसे ही अलाउंसेस कौन से है यूनिफॉर्म अलाउंस ट्रैवलिंग अलाउंस हेल्पर अलाउंस डेली अलाउंस एकेडमिक रिसर्च अलाउंस कन्वियंस अलाउंस तो फिर इसका एब्रीवेशन देखते हैं इसका एब्रीवेशन आपको कैसे याद रखना है इसका निमोनिक क्या है यूनियन टेरिटरी है दमन दमन बोलो दीव बोलो कुछ भी बोल सकते हैं याद रखने के लिए यूनियन टेरिटरी है दमन वहां के लोग ए सी यूज करते यूनियन है. टेरिटरी है. है दमन वहां के लोग क्या यूज करते हैं वहां के लोग एसी यूज करते हैं तो यू से यूनिफॉर्म अलाउंस टी से ट्रैवलिंग अलाउंस एच से हेल्पर अलाउंस डी से डेली अलाउंस ए से एकेडमिक रिसर्च अलाउंस और सी से है कन्वेन्स अलाउंस सिंपल आपको बताया होप कि आप ये सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं अभी तक जितनी चीजें समझाई है वो समझ में आ रही है तो लाइक like का बटन दबाए ताकि वीडियो और लोगों तक ये पहुंच जाए और सभी लोगों को पता चले टेक्ली किस तरीके से हम फास्ट ट्रैक रिविजन कर रहे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्टली टैक्सेबल पर्सनल ये है हॉस्टल अलाउंस नंबर जिधर आएगा उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए हमारा किसी और हमारा ध्यान इसी नंबर के पास जाना चाहिए बिकॉज ये पेपर में पूछ जा सकता है हॉस्टल एक्सपेंसेस हॉस्टल अलाउंस जो है वो कितना एग्जेप्ट थ्री हंड्रेड पर मंथ पर चाइल्ड अप टू टू चिल्ड्रेन ध्यान रखना हॉस्टल इज थ्री हंड्रेड एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिक्सटीन हंड्रेड पर मंथ एग्जेम्ट हैडी कैप रहेगा तो तीन हजार दो सौ एग्जेम्ट है चिल्ड्रेन एजुकेशन है हंड्रेड पर मंथ पर चाइल्ड टू चिल्ड्रेन तक तो ये एग्जेम्पन है और बाकी का जो होगा वो टैक्सेबल होगा इसलिए पार्टली टैक्सेबल लिखा हुआ है हॉस्टल का तीन सौ रुपया फिर ट्रांसपोर्ट का सिक्सटीन हंड्रेड और अगर हैंडी कैप रहा तो डबल चिल्ड्रन एजुकेशन का हंड्रेड चलो तो इसके लिए कुछ शॉर्टकट बनाते हैं के लिए शॉर्टकट है आई टेक केयर क्या है शॉर्टकट आय टेक केयर आई टेक केयर बोलो ये एच देखो पहले एक कंपनी थी एच मोबाइल बनाती थी एच का मोबाइल फोन याद रह, आप उसको याद रख सकते हो या हाई टेक केयर से सिंपल है हाई टेक केयर मतलब हॉस्टल अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फिर यहाँ पे हमने क्या पढ़ा पार्टली टैक्सेबल ऑफिस में यूनियन टेरिटरी है दमन वहाँ के लोग ए यूज करते फिर टैक्सेबल अलाउंस में हमने क्या पढ़ा डिसम्बर के मंथ में एम का क्या हुआ स्वाट एनालिसिस हुआ सबसे सिंपल इस तरीके से पढ़ो ताकि अलाउंसिस आपके फिंगर टिप्स पे रहे इतना सब बाहर भी ना करना पड़े और अगर ये इमोनिक्स को याद रखोगे तो आपको एग्जाम में अलाउंसेस पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा तो दैट वाज़ दी पार्ट विच वी हैव लर्न आई थिंक यू हैव एंजॉयड द पार्ट रिलेटेड टू अलाउंसेस चलो एक बार कमेंट करके बता दो ताकि हम आगे बढ़ सके एवरी जस्ट क्लियर विद द पॉइंट व्हाट वी आर लर्निंग सबको क्लियर है जितनी चीजें आपको बताई है मैंनेक्शन सिक्स रेसिडेंशियल सेकेंड पार्ट कॉल्ड स्कोप ऑफ टोटल इनकम लर्न की पार्ट रिलेटेड सैलरी बेसिक्स और अभी हम जाएंगे हमारे अगले पॉइंट में हाउस प्रॉपर्टी चलो सबको क्लियर है एक बार कमेंट कर लो ताकि मैं भी थोड़ा एक मिनट का ब्रेक ले सकूं और फिर हम हाउस प्रॉपर्टी को स्टार्ट कर लेंगे सभी को क्लियर है आज का सेशन हमारा हाउस प्रॉपर्टी तक हाउस प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद फिर अगले लेक्चर में अगले पॉइंट्स को पढ़ेंगे चलो एक बार कमेंट आपके आने चाहिए सभी लोगों के कमेंट्स एवरीवन अरे कमेंट करने में क्या इतना सोच रहे हो कमेंट करो तुरंत मुझे पता चलना चाहिए एक्जैक्टली exactly कि आपको समझ आ रहा है सारी चीजें यस 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 वेरी वेरी गुड गुड चलो दैट्स दैट्स इट इट काफी अच्छा काफी बढ़िया सभी को क्लियर है चीजें जितनी अभी तक बताई है ध्यान से पढ़ेंगे अभी हाउ द सेकेंड कंसेप्ट में जाएंगे इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में से आपने देखा होगा बहुत से पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल बेस एम पूछे जाते हैं डोंट वरी लास्ट तक बने रहे लास्ट तक बने रहोगे तो लास्ट में दो तीन एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा जो आपको प्रैक्टिकल बेस पे हाउस प्रॉपर्टी पे कैलकुलेट होते हैं तो सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी का बेसिक्स पड़ता है ना हाउस प्रॉपर्टी में बेसिक चीजें क्या कहती है कि हाउस प्रॉपर्टी में जो भी इनकम होता है या जो भी हमें रेवेन्यू जनरेट होता है वो किस तरीके से होता है अगर हमने हमारी प्रॉपर्टी को किसी और को रेंट पे दिया है इफ वी आर गिविंग अवर प्रॉपर्टी टू रेंट

लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब हमने हमारी प्रॉपर्टी किसी और को भाड़े से दी है उससे जितना भी रेंट आएगा दैट विल बी कंसिडर एज लेट आउट प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का मतलब हमने हमारी प्रॉपर्टी किसी और को रेंट पे नहीं दी है हम उस प्रॉपर्टी में खुद रहते हैं हमने वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई करके रखी है तो ऐसे केस में उसे हम कहेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अगर आप खुद के घर में खुद रहोगे तो क्या खुद को रेंट दोगे तो पॉसिबल ही नहीं है इसीलिए हमेशा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का आंसर नेगेटिव आता है ध्यान रखना तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी वन इज कॉल्ड एज एल ओ पी लेट आउट प्रॉपर्टी एंड अनदर इज कॉल्ड एज एस ओ पी विच इज कॉल्ड एज सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जहाँ पे मैंने थेरोटिकल बेस भी लिखा है वो आप अपने बेस पे बाद में इसको पढ़ सकते हैं कुछ अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं इस पूरे चैप्टर में एक है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम कहते हैं जी ए वी जी ए वी मतलब गांव जाने का किधर जाने का गांव गांव का मतलब क्या है गांव का मतलब है जी ए वी इसको कैसे ढूंढते हैं इसको तीन पॉइंट को कंपेरिजन करके ढूंढेंगे म्यूनसिपल वैल्यू पेरेंट Actual rent. If you compare दिस three, you should take the higher value, whichever is higher. Simple level लेवल है स्टैंडर्ड रेंट में थोड़ा अलग कंसेप्ट है वो भी बताता हूँ तो जीएवी इज वॉट जीएवी इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू गांव जाएंगे हम गांव जाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी एक तो हमारा म्यूनिपल वैल्यू एक तो हमारा फेयर रेंट और एक तो हमारा एक्चुअल रेंट अगर तीनों चीजों को आप देखोगे तो उनमें से सबसे बड़ा अमाउंट जो रहेगा वो तो आपका जीएवी बनेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू अब ये ध्यान रखना डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर देखो सैलरी में हमने तीन डिडक्शन पढ़े थे अंडर सेक्शन सिक्सटीन स्टैंडर्ड एंटरटेनमेंट और प्रोफेशन टैक्स ही इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपका डिडक्शन है अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर तो डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर इनक्लूड्स स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट थर्टी परसेंट ऑफ एन क्या है थर्टी परसेंट ऑफ एन एवी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनने के लिए ऐसे पॉइंट ध्यान में रखने तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होगा थर्टी परसेंट ऑफ एन एवी नाव एन एवी इज नाव नाव मतलब एन ए एन एव मतलब नेट एनुअल वैल्यू आप बोलेंगे नाव मतलब एनएवी एनएवी मतलब नाव वट इज दिस दिस इज नथिंग बट दिस इज नेट एनुअल वैल्यू

और मैक्सिमम लिमिट क्या है दो लाख ,00 ये भी याद रखना अगर नाइनटी नाइन के पहले अगर लोन लिया है तो मैक्सिमम लिमिट तीस हजार है नाइनटीन नाइनटी नाइन के बाद अगर लोन लिया है तो मैक्सिमम लिमिट आपका टू लैक्स है तो ये लिमिट याद रखना लेकिन ये लिमिट वाला जो कंसेप्ट है ना ये सिर्फ एस के लिए है एल में कोई भी लिमिट नहीं पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन बोर फंड्स के लिए फिर मुंसिपल वैल्यू मैंने आपको बताया आपके प्रॉपर्टी की म्यूनसिपल ऑथोरिटीज ने जो डिटरमाइंड की हुई वैल्यू रहेगी दैट इज कॉल्ड एज मुंसिपल वैल्यू नेक्स्ट है फेयर रेंट फेयर रेंट मतलब उस एरिया में जो रेंट चल रहा है आपके बाजू वाले ने घर को रेंट पे दे दिया पचास हजार रुपया रेंट मिल रहा है उसको घर घर काफ़ी बड़ा था तो आपको भी पचास हज़ार मिलना चाहिए तो दैट इज़ कॉल्ड एज फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट तो वो स्टैंडर्ड रेंट होगा जो रेंट कंट्रोलेबल एक्ट के बेसिस पे रहेगा दैट दैट इज द स्टैंडर्ड रेंट नेक्स्ट है आपका एक्चुअल रेंट तो एक्चुअल रेंट जो है वो हमको एक्चुअली मिलता है कि उस एरिया में रेंट चल रहा है बीस तो हजार और आपको एक्चुअल रेंट मिल रहा है पंद्रह हजार है। फिर अनरियलाइज रेंट अनरियलाइज रेंट मतलब ऐसा रेंट जो रियलाइज ही नहीं हुआ आपको मिला ही नहीं तो आपको ध्यान रखना ये बार बार कंसेप्ट आएंगे हाउस प्रॉपर्टी में तो आगे बढ़ते हैं अभी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एक कंसेप्ट है कि अगर हम प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की बात करें तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बिगिन ऑन द डेट व्हेन लोन इज टेकन एंड एंड्स आइदर ऑन द डेट ऑन विच द लोन इज रीपेड और थर्टी फर्स्ट मार्च इमिडिएटली प्रोसीडिंग तो इसके लिए एमसीक्यू बेस पे अगर याद रखो तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन कैसे मिलता है वन फिफ्थ बेस पे मिलता है और कितने साल के लिए डिडक्शन मिलता है फाइव ईयर्स के लिए डिडक्शन मिलता है ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन वन फिफ्थ बेस पे मिलता है और वो कितने ईयर्स के लिए मिलता है कॉन्जिक्यूटिवली फाइव ईयर्स के लिए आप वो डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं ज दिव सोल्विंग द क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है ये फॉर्मेट आपको आना चाहिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम गाँव ढूंढेंगे गाँव जी ए वी वॉट इज द फुल गाव क्रॉस एनुअल वैल्यू हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू म्यूनिस्पल वैल्यू फेयर रेंट एक्चुअल रेंट इन सब में से जो हाइयर रहेगा वो हमारा गाँव होगा फिर उसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड को क्या करेंगे उसमें से हम म्यूनिसपल टैक्सेस पेड को माइनस करेंगे देन वी विल बी गेटिंग द आंसर एज नाउ नाउ मींस व्हाट नेट एनुअल वैल्यू और ये जो एन आएगा इस एन के ऊपर हमने अभी पढ़ा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है थर्टी परसेंट ऑफ एनएन वी का थर्टी परसेंट ढूंढोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड जो है वो यहाँ पे आंसर मिलेगा और बाद में फिर ये एक्स्ट्रा चीजें हैं अनरियलाइज रेंट अगर रिकवर्ड हुआ है तो उसके ऊपर थर्टी परसेंट का डिडक्शन मिलता है तो इस चैप्टर में थर्टी परसेंट मतलब इंपॉर्टेंट याद रखना इधर भी परसेंटेज पूछा जाए तो उधर थर्टी परसेंट ही आपका आंसर हो जाएगा दैट इज द पॉइंट फिर फर्दर हमें लास्ट में आंसर मिलेगा विच इज कॉल्ड एस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो दैट इज द फॉर्मेट आई होप फॉर्मेट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू चलो एक बार मुझे सभी बच्चे कमेंट करेंगे आज जितना भी आपको करवाया है एवरी वन इज क्लियर विद द जस्ट कमेंट नाउ चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट यस yes, देखते हैं पहले कमेंट किसका आता है है साथ साथ सभी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू 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 आर आर अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग वी आरस्टेंडिंग टूडे तो अभी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे थोड़े से ताकि आज का हमारा फास्ट ट्रैक एंड हो जाए डांस से काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो आपको ध्यान रखना है अभी इसमें से आपको जीए भी ढूंढना है देखो ऐसे ही तो पॉइंट्स एमसीक्यू में पूछे जाते हैं छोटे छोटे उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो सर प्रैक्टिकल बेस के एमसीक्यू सॉल्व करने तो प्रैक्टिकल के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं उसके लिए आपको सिर्फ क्या सिर्फ बेसिक्स याद रखना क्या बोल रहा है इधर ध्यान तो तो वैल्यू। वैल्यू रखना जब भी आपको एक्चुअल रेंट के साथ अनियलाइज रेंट दिया होगा तो उसे हम क्या करेंगे माइनस करेंगे वैल्यू इज हाउ मच मुंसिपल वैल्यू इज 5 फाइव लैक्स फेयर रेंट इज हाउ मच फेयर रेंट इज थ्री लैक्स एक्चुअल उसमें से हमें रेंट दिख रहा है टेन थाउजेंड कोई प्रॉब्लम नहीं अनरियलाइज रेंट आपको माइनस करना है टू लैक्स में से टेन गया तो आपका आंसर बन गया और इनमें से हमको क्या करना है अकाउंट जैसे मत करके आ जाना प्लस नहीं करना है हाइयर वैल्यू ढूंढनी है वैल्यू फाइव लैक्स इज दायर वैल्यू तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ए काफी सिंपल कैलकुलेशन था क्रॉस एनुअल वैल्यू इज फाइव लैक्स तो अभी हम अगले कंसेप्ट में जाते हैं एवरीवन क्लियर विद दिस मच जस्ट एक बार कमेंट कर लो ताकि आगे बढ़ो तो चलो कमेंट आ रहे हैं सबके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जल्दी जल्दी कमेंट करो ओके 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 चलो आगे बढ़ते हैं अब ध्यान रखना जो सेकंड पार्ट है इसमें अनरियलाइज रेंट है वैसे का वैसा ही है सेम टू सेम देखो मुंसिपल वैल्यू सिक्स लैक्स तो मैं अभी यहाँ पे सीधा लिखता हूँ म्यूनिपल वैल्यू है सिक्स लैक्स ठीक है फेयर रेंट है हमारा थ्री लैक्स फिर एक्चुअल रेंट कितना है थर्टी थाउजेंड पर मंथ ठीक है एक्चुअल रेंट माइनस अन रेंट थर्टी थाउजेंड पर मंथ है आपका एक्चुअल रेंट तो थर्टी थाउजेंड को इंटू करना है ट्वेल्व के साथ तो आपको कितना मिलेगा आंसर थ्री लैक्स सिक्सटी थाउजेंड बराबर है थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड में से अनियलाइज रेंट कितना है ट्वेंटी थाउजेंड है थ्री लैख सिक्सटी में से ट्वेंटी माइनस किया तो आपको मिल जाएगा थ्री लैखी थाउजेंड रूल सेज विच एवर इज हाइयर इनमें से कौन सा हाइयर है है सिक्स लैख्स तो आपका राइट आंसर इज द राइट आंसर नंबर सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे ध्यान से समझना ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है अगर कभी कभी आपको स्टैंडर्ड रेंट दिया जाएगा क्या दिया जाएगा स्टैंडर्ड रेंट दिया जाएगा तो अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं और एक ट्रिक बताता तो हूँ वो याद रखो पहले हमें लेना है हाइयर फिर हमें लेना है लोअर और फिर से हमें लेना है हाइयर ठीक है क्या लेना है स्टैंडर्ड रेंट दिखा आपको क्वेश्चन में तो ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए एंड दैट इज हाइर लोअर हाइयर अब देखो कैसे कर रहा हूं मुंसिपल वैल्यू कितना है एट लैक्स मैंने एट लैक्स लिखा फिर लिखेंगे फेयर रेंट कितना है lakhs, तो मैंने lakhs लिखा। अब ध्यान से एक्चुअल रेंट तुरंत मत लिखना बिकॉज स्टैंडर्ड रेंट दिया है तो मुंसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इनमें से क्या रूल है हाइयर तो इनमें से कौन सा लेंगे हम हाइयर लेंगे क्या है हाइयर इट्स एट लैक्स तो ये जो एट लैक्स आया है दिस विल बी कॉल्ड एज आर एल वी आर एल वी का मतलब रीजनेबल लेट आउट वैल्यू इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड रेंट के साथ चलो अभी स्टैंडर्ड रेंट कितना है फोर लैक्स तो हमने फोर लाख लिखा अभी इनमें से पिछेवर इज लोअर लेना है कौन सा है इनमें से लोअर लोअर है फोर लैक्स तो आई है फोर लैक्स ये जो फोर लैक्स आया उसके बाद क्या करना है आपको दिस विल बी कैरी टू द नेक्स्ट स्टेप तो फोर लैक्स को हम कंपेयर करेंगे हमारे एक्चुअल रेंट के साथ लेकिन एक्चुअल रेंट में देखो एक्चुअल रेंट के साथ हमारा अन रेंट है तो थ्री लैख सिक्सटी माइनस ट्वेंटी थ्री लैख सिक्सटी माइनस ट्वेंटी तो कितना हो जाएगा थ्री लैख फोर्टी ठीक है अभी रूल क्या बोलता है इनको कंपेयर करो फिर से हाइयर लो तो जो हो गया हाइयर गया लोअर हो गया, गया हाइयर तो अभी इनमें से हाइयर कौन सा है इनमें फोर लैक्स ये आपका बन गया फोर लैक्स जी ए वी तो इसका राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फोर लैक्स दैट्स इट फ्रॉम दिस पार्ट आई थिंक दैट यू हैव एंजॉयड द सेशन ऑफ टूडे यू हैव लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना था जो तो बच्चे एमकॉम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल पाए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय कल मिलेंगे शाम को 6 बजे अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और ऐप में से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रखे ठीक है थैंक यू वेरी मच बाय बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर